जय माता दी। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे जीवन को सरल और सुखदायी बनाने में ज्योतिष शास्त्र का हमेशा से अहम योगदान रहा है और आगे भी रहेगा। ऐसे में हमको अपनी दिन भर की दैनिक दिनचर्या को सफल बनाने के लिए हमारे दैनिक राशिफल के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं मीन राशि वालों का 26 और 27 फरवरी 2021 का दैनिक राशिफल कैसे रहेंगे आपके ये आने वाले दो दिन। चलिए जानते हैं। बिजनेस संबंधी किसी मीटिंग में आपके मन मुताबिक मोड़ आने की संभावना है। आप आज शांत किंतु दृढ़ हैं। आपने खूब सोच समझ कर फैसले लिए हैं। कार्यस्थल पर सकारात्मक बदलाव होंगे। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात संभव है। घर पर शांत और संतुष्ट बने रहेंगे। बौद्धिक उन्नति होगी। प्रियजनों की ओर से कोई खुश कर देने वाली खबर मिलेगी। अपने शरीर के विकास के स्थान पर मानसिक विकास के बारे में सोचें। आप अपने आप को शारीरिक रूप से तो फिट ही रखते हैं, लेकिन अपने अत्यधिक काम करने वाले मन का उतना ध्यान नहीं रख पाते। शांति रखें। किसी ऐसे मनोरंजक कार्यकलाप में हिस्सा लें जिससे आपके मन को भी ताजगी का अनुभव हो। अपना कुछ समय खुद को भी दे। एकाग्र रहने और ध्यान की कोशिश करें। अपने कई दिशाओं में भागते हुए मन को कोशिश करके अपने विचारों को एक दिशा देने की कोशिश करें। आप अपने संबंध को लेकर जरूरत से ज्यादा गंभीर हैं और बहुत सोचते हैं। खुद को थोड़ा हल्का करें। अपने पार्टनर के साथ समय बिताएं। एक बार जब आप सब चीजों और बातों के दोहरे अर्थ ढूंढने से खुद को रोकना सीख जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि आपका संबंध बहुत मजबूत है और आपको भी कभी कभी अधिक न सोचते हुए खुद को मुक्त रखकर मजे लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए। आज का दिन अपने सभी लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए एकदम सही है। आप किन्हीं बाहरी कारणों से समय पर अपना काम खत्म नहीं कर पाए, इसलिए आपको शीघ्रता दिखानी होगी क्योंकि आपका काफी कार्य लंबित है। आज नई प्रतिबद्धताओं का दबाव कम होगा, इसलिए आप अपनी पुरानी प्रतिबद्धताओं को समय पर खत्म कर पाएंगे और इन सभी कार्यों को पूरा करने के बाद आराम करने के लिए आपको पर्याप्त समय मिलेगा और आनंद भी, क्योंकि आपने अपने सारे लंबित कार्यों को पूरा कर लिया है। आपकी एकाग्रता और विवेक आपका साथ देंगे। इस चरण में आपका दिमाग व्यक्तिगत मामलों, परिवार और प्रियजनों के चारों ओर घूम रहा है। इसी कारण आप अभी अतीत या परिवार के मामलों के बारे में चर्चा करने में दिलचस्पी रखेंगे। आप किसी भी गृह कार्य के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अभी आपको कुछ ऐसे सुझाव भी मिल सकते हैं जिनसे आपको ठेस पहुंचे, किंतु निराश न हो। हो सकता है कि आपकी बातें भी किसी को बुरी लगे। सफलता का नुस्खा यही है कि आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत से आगे बढ़े। कड़ी मेहनत करना जारी रखें और जो लोग आप पर निर्भर हैं उनका ख्याल रखें। इस समय कोई नई शुरुआत या अचानक कोई अंत हो सकता है। कुछ संबंध खत्म होने के कगार पर हैं। यह संबंध रोमांटिक हो सकते हैं या किसी पार्टनरशिप में भी ब्रेकअप की संभावना है जो अभी काम नहीं कर रही है। यदि आप इस समय में किसी तरह के कोई नए कार्य का शुभारंभ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा अपने लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं। करियर के दृष्टि से भी स्थितियां काफी अच्छी हैं। इस अवधि में आपको मानसिक चिंता से राहत मिलेगी। आज आपकी मुलाकात ठीक उन लोगों से होगी जिनकी इस समय आपको बहुत जरूरत है। अगर आपके साथ या आपके परिवार में किसी के साथ स्वास्थ्य की कोई समस्या है तो आज आपकी मुलाकात सही विशेषज्ञ से हो जाएगी। अगर मामला कानून से जुड़ा है तो उसका भी सही जानकार आज आपको मिलेगा। आप इन चिकित्सा विशेषज्ञों या कानून के जानकारों से बात करने से जरा भी संकोच न करें। आज आपको कुछ अन्य मुद्दों के बारे में भी कुछ संकेत मिल सकता है जिसकी आपको आवश्यकता है या होने वाली है। आज आप काफी समय अपने प्रियजनों और परिवार के सदस्यों की चिंता और देखभाल में बिताएंगे। अपना भावनात्मक नियंत्रण बनाए रखें। सहकर्मियों और परिवार के सदस्यों की आपस में थोड़ी अनबन हो सकती है और आपको सुलह शांति करानी पड़ सकती है। आज आप अपनी वाणी पर सख्ती से नियंत्रण रखें। अनियंत्रित बातें करने पर आप कई तरह की समस्याओं में फंस जाएंगे।
आज आपके प्रेम या दाम्पत्य संबंध बहुत सुखी और प्रसन्नतापूर्ण रहेगा। आप साथ बैठकर काफी बातें करेंगे और भविष्य की योजनाएं बनाएंगे, साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। आज आपकी पैसों की आवक संतोषजनक रहेगी। नौकरी में आज आपको अच्छी सफलता भी मिलेगी और धन लाभ भी होगा। पदोन्नति और वेतन वृद्धि हो सकती है। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आप में बहुत ऊर्जा रहेगी, दिन भर उत्साह बना रहेगा। आज विद्यार्थियों पर पढ़ाई का दबाव बहुत ज्यादा रहेगा। आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, मेहनत के अनुरूप सफलता भी मिलेगी। आज शिक्षक क्लास में आपकी तारीफ करेंगे, इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। मन की दृढ़ता और आत्मविश्वास आपका कार्य सफल बनाएंगे। उत्सव और आनंद मनाने का दिन है। अचानक कोई शुभ समाचार मिल सकता है। व्यवसाय में अच्छा मुनाफा मिलेगा। विरोधी शांत रहेंगे। तंत्र मंत्र में रुचि रहेगी। वरिष्ठ जन सहयोग करेंगे। प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में अभी सफलता नहीं मिलेगी। घर परिवार में कोई बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तीर्थयात्रा की योजना कार्य रूप लेगी। संत महात्मा के दर्शन होंगे। व्यवसाय ठीक चलेगा। दूसरों के कामों में हस्तक्षेप की बजाय अपने काम पर ध्यान दे। समय के साथ कार्यालय में दायित्व बढ़ेगा। झंझटों से दूर रहें। यात्रा में सावधानी रखें। प्रसन्नता रहेगी। मिठाई वितरण करें। कहीं पैसा अटका है तो प्रयास कीजिए। आज वापस मिलने का शुभ योग है। परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे। परिवार में सुख शांति और आनंद का वातावरण रहेगा। गुस्से के कारण आपकी वाणी व्यवहार में उग्रता न आए, उसका ख्याल रखें। नौकरी में आपका वर्चस्व रहेगा। प्रतिस्पर्धियों के समक्ष विजय मिलेगी। बीमार व्यक्ति की तबीयत में सुधार होगा। शारीरिक और मानसिक स्वस्थता अनुभव करेंगे। आज के दिन महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले वरिष्ठों से सलाह लेना चाहिए। साथ ही आज शाम को अपने पितरों को प्रणाम करते हुए उनके चित्र के आगे धूप बत्ती जलाएं एवं पुष्प माला पहनाएं। उनके आशीर्वाद से आपके कार्य बनाना शुरू हो जाएंगे। शेयर से संबंधित व्यापार करने वालों को आज अच्छे ग्राहक मिल सकते हैं। विद्यार्थियों को परिश्रम के अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं होगा। हेल्थ की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल पर आपको पैनी निगाह रखनी होगी। परिवार के साथ किसी यात्रा पर जाने के लिए दिन उपयुक्त है। कल मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में चावल और शक्कर का दान कराना चाहिए। इससे आपको मन की शांति और धन की प्राप्ति होगी। आपका आविष्कारक तथा रचनात्मक दिमाग आपको कुछ नया खोजने में मदद करेगा। आपकी रचनात्मक खोज आपको प्रशंसा तथा पहचान दिलाएगी। आपके पति या पत्नी, बच्चों या निजी जिंदगी के बारे में कोई कुछ गलत बातें करने पर आपको दृढ़ रहना होगा। आपके निजी जीवन में किसी का अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। आज आपको किसी चिंता का सामना करना पड़ सकता है। ज्ञान हमें समर्थ बनाता है, इसलिए यथासंभव जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करें। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। सच्चाई जान लेने पर ही कोई निर्णय ले। आज बहुत लोगों को आपको देखने, आपसे मिलने या आपके साथ समय बिताने की इच्छा होगी। जिनके साथ आपको समय नहीं बिताना है उनसे बचने हेतु अपने चातुर्य का प्रयोग करें। शराब से दूर रहें, क्योंकि इससे आपकी नींद में खलल पड़ेगा और आप गहरे आराम से महरूम रह सकते हैं। खर्चों में इजाफा होगा, लेकिन साथ ही आमदनी में हुई बढ़ोतरी इसको संतुलित कर देगी। अपना कीमती वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारें। यह सबसे बेहतर मरहम है। वे कभी न खत्म होने वाली खुशियों का स्रोत साबित होंगे। आज के दिन प्यार की कली चटक कर फूल बन सकती है। बड़े व्यापारिक लेन देन करते वक्त अपनी भावनाओं पर काबू रखें। आपका कम्युनिकेशन और काम करने की क्षमता असरदार सिद्ध होंगे। आपको अपने जीवन साथी का सख्त और रुखा पहलू देखने को मिल सकता है, जिसके चलते आप असहज महसूस करेंगे। पूरा दिन बैठकर उबने की बजाय ब्लॉगिंग करें या कोई रोचक किताब पढ़ें। काम वही है जो आज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यदि आप अपना काम ठीक से नहीं करते हैं तो कोई व्यक्ति आपके पद को संभालने के लिए तैयार हो सकता है। यह सबसे अच्छा है। यदि आप अपने सभी काम उम्मीद से बेहतर करते हैं तो कोई भी आपकी जगह नहीं ले सकता है। बहुत सारे लोग आपकी जगह चाहते हैं, लेकिन आपको इसे बनाए रखने की आवश्यकता है।
आपके लिए आज का दिन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपके ऑफिस में आपको काफी ध्यान से काम करना होगा, क्योंकि आपके विरोधी आपकी छवि बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा, जिससे आपके कई काम बनेंगे और आपके काम में मजबूती आएगी। परिवार का वातावरण थोड़ा सा कमजोर रह सकता है और घर के बुजुर्गों का स्वास्थ्य पीड़ित रहेगा। खर्चों में अधिकता होगी, लेकिन आप उनसे खुश रहेंगे, क्योंकि वह आप अपने सुख सुविधाओं पर करेंगे। स्वास्थ्य बेहतर बनेगा और तनाव से मुक्ति पाने के लिए आपको खुद ध्यान देना होगा। आज परिवार वालों के साथ अधिक समय बीतेगा। परिवार में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। भाई बहनों और बड़ों के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण और प्रेमपूर्ण रहेंगे। खराब स्वास्थ्य से चिंतित रहेंगे। आज आप कई काम एक साथ करने की कोशिश कर सकते हैं, इस कारण परेशान भी हो सकते हैं। धन के आगमन की संभावना रहेगी। आपके अधूरे काम पूरे होंगे। इस राशि के जो लोग अविवाहित हैं, आज उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। आज परिवार वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का मौका मिलेगा। इस राशि के बुक सेलर्स के लिए दिन लाभ दिलाने वाला रहेगा। साथ ही राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों की समाज में और अच्छी छवि बनेगी। इसका लाभ आपको आने वाले समय में जरूर मिलेगा। पैसों से जुड़े कुछ काम आज रुक सकते हैं। आप दूसरों की समस्याओं से विचलित हो सकते हैं। जो युवा जॉब की तलाश में है, आज उनकी किसी अच्छी जगह पर नौकरी लगने की संभावना है। बिजनेस में आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी। मंदिर के बाहर बैठे लोगों को वस्त्र दान करें। आपकी सभी इच्छाएं पूरी होगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने जाना मीन वालों का 26 और 27 फरवरी 2021 का दैनिक राशिफल। दोस्तों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और हमारे इस एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं, ताकि आपको मिल सके हमारी अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले। धन्यवाद।